सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स को, और स्टडी से रिलेटेड सबसे अच्छी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 के बारे में, यानी 41,520 वैकेंसी की जो भर्ती चल रही है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। 12 जनवरी को मुरादाबाद से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये न्यूज़ आपको जरूर जाननी चाहिए। पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, कुछ भी स्किप मत करना। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। लगता है कि भर्ती बोर्ड बाहर करके मानेगा, किसे बाहर करने वाला है और आखिर बात क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से जुड़ी हुई हर एक खबर सबसे पहले हम आपको देते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि हो सकता है आज थोड़ी वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है, आवाज़ एकदम क्लियर ना हो, क्योंकि मेरे पास कुछ ज़रूरी इक्विपमेंट जो होते हैं वो नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर हूँ इस वजह से। लेकिन ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको बता चुका हूँ मैं यूपी पुलिस 2018 के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ, 12 जनवरी को मुरादाबाद से जो भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस भर्ती में फर्जीवाड़े का शक, बायोमेट्रिक मिलान नहीं। तो ये इन्फॉर्मेशन हालांकि बहुत लोगों को पहले से पता भी होगा कि बायोमेट्रिक को लेके काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, काफ़ी लोगों के बायोमेट्रिक मैच नहीं हो रहे थे। अब इसे लेके आप देख सकते हैं बायोमेट्रिक मशीन में खराबी है, मुन्ना भाई ने दी परीक्षा, इसका खुलासा FSL जाँच से होगा। तो वहाँ पर जाँच भी कराई जाएगी, ऐसे लोग हैं जो काफ़ी फंस चुके हैं तो उनकी जांच कराई जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं पुलिस भर्ती में 42 अभ्यर्थी फेल। तो जैसा कि मैं शुक्रवार का आपको बता चुका था कि शुक्रवार को कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और कितने लोग फेल हो गए थे, लेकिन शनिवार के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर शनिवार को 121 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसमें 25 महिलाएँ बाकी पुरुष थे, 18 पुरुष 2 महिलाएँ फेल हुई, यानी कि 2 दिन के अंदर सारे मानक परीक्षा में 42 अभ्यर्थी असफल घोषित हो गए। तो लगभग यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 241 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें से 42 अभ्यर्थी 2 दिन में फेल हो गए, यानी करीब 200 अभ्यर्थी पास हो गए और वो वहाँ PET में काफ़ी अधिक संख्या में फेल हो रहे हैं। मैंने एक इससे लास्ट वीडियो भी बनाई थी और मेरिट के बारे में बताया था कि 450 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, परंतु 450 अभ्यर्थियों में से केवल 98 ही कैंडिडेट वहाँ पर पहुँचे थे और 98 में से केवल 28 कैंडिडेट पास हुए थे। तो लास्ट के जो ये लोग बचे हुए हैं कि काफ़ी भारी संख्या में लोग नहीं पहुंच रहे हैं, उसका रीज़न एक और है मैं बता दूं। इसमें से ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनका मिसमैच था, जिनका बायोमेट्रिक वगैरह मैच नहीं हो रहा था, ये वो ही लोग हैं जो नहीं पहुंच रहे हैं। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि आज मैं रात को एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने वाला हूँ, तो लास्ट रात को मैं उसे अपडेट कर दूँगा। उसमें अब तक के जितने लोग पास हुए हैं, कितने लोग फेल हुए हैं, कितने टोटल कैंडिडेट्स वगैरह PET, PSET, DV जितनी बार इन्फॉर्मेशन है, मैं लास्ट तक आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैं बता दूंगा कि उसमें कितने अब तक लोग पास हुए हैं, कितने मेडिकल वगैरह का जो भी प्रोसेस है, कंप्लीट वीडियो आज रात को अपलोड कर दिया जाएगा। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तो मत भूलिएगा। तो यहाँ पे आप पूरी इन्फॉर्मेशन और देख सकते हैं मुरादाबाद यूपी पुलिस की आरक्षी नागरिक एवं फर्जीवाड़े का शक है, इसमें सॉल्वर ग्रोथ। तो देखिए अगर मान लीजिए मिसमैच वाले हो सकते हैं और लोग भी फंस सकते हैं, हालांकि काफ़ी लोग जो एब्सेंट हो रहे हैं वो सब मिसमैच वाले ही हैं, इसी वजह से वो लोग वहां पे नहीं जा रहे हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग वहां चले गए तो उनका मिसमैच हुआ है। अब देखिए उन्हें बाद में जाँच कराया जाएगा। तो लगभग यहाँ पर देख सकते हैं 3 दिन के अंदर 20 अभ्यर्थी मुरादाबाद में, तो 3 दिन के अंदर लगभग 300 लोगों को बुलाया गया और 300 में से लगभग 20 लोग ऐसे हैं जिनके मतलब फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या भी काफ़ी है जो एब्सेंट हुए हैं, वो भी काफ़ी लोग हैं। तो रात को एक जो वीडियो आएगी उस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। ये इन्फॉर्मेशन मुझे फ़िलहाल आपको देनी थी कि यहाँ पे ऐसे काफ़ी लोग हैं फर्जीवाड़े का शक हो सकता है और कितने लोग यहाँ पे फेल हुए थे शनिवार को, वो भी मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यूपी पुलिस से जुड़ी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।